बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव घोषणा, अक्टोबर 8 तारीख में फिल्म पुरस्कार समारोह रे हेबे सम्मानित। बॉलीवुड रे उल्लेखनीय अवदान पाई मिलिबो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव घोषणा, अक्टोबर 8 तारीख में फिल्म पुरस्कार समारोह रे हेबे सम्मानित। बॉलीवुड रे उल्लेखनीय अवदान पाई मिलिबो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आम सहित दिल्ली फाली सिने समीक्षक आम सहित जोड़ी होती। आज्ञा स्वागत करुच्छे अर्गस न्यूज को। निश्चित भाव ये खुशी खबर आम कहीपर बॉलीवुड सुपरस्टार एवं अनेक ओडिया फिल्म रे भी अभिनय करछंती मिथुन दा, जहाँ को समस्ते मिथुन दा भाव जानिछंती, जे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाइबा को जाउछंती। बहुत खुशी खबर कारण मिथुन चक्रवर्ती कैरियर 88 रु कैरियर आरंभ करथले, आउ से कैरियर भितरे से मध्य पुना फिल्म इंस्टिट्यूट पास कर सारे गोटे भल कलाकार दीर्घ वर्ष धरी कार्य करवा क्षेत्र में आज जो मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबुठ सर्वोच्च सम्मान पुरस्कृत करा निश्चित भाव स्वागत जो निली आपण जी भी फिल्म देखी मिथुन दा मिथुन दा अभिनय आपन को कमी लगे तो मिथुन चक्रवर्ती जहाँ को आम मिथुन दा भाव जानते बॉलीवुड रो बेस जनाशुना सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को फाल्के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलवाक जाऊँगी। केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव एने ना घोषणा कर सारी अक्टोबर 8 तारीख में फिल्म पुरस्कार समारोह हो सेठे मिथुन दा को सम्मानित करीवुड्रे उल्लेखनीय अवदान पर मिल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जहाँ को आम मिथुन दा भाव जानते दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलवा को जाऊँ। आसंता अक्टोबर 8 तारीख में जो फिल्म पुरस्कार समारोह हो सम्मानित केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव ना घोषणा कर सारी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।